स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 12 साउंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 11 तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साउंड? सो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम सुन सकते हैं। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है? जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है उनके द्वारा साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। जैसे अगर हम स्टिक एयर में पास करवाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो वाइब्रेट होते हैं और हमें एक साउंड सुनाई देता है। सो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। What is the nature of the sound waves? So, जो waves होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक longitudinal waves होती है और एक transverse waves होती है। जो longitudinal waves है वो along the direction of the sound wave चलती है, और एक होता है transverse wave, वो along the perpendicular direction to the wave चलती है। So, हमारी जो sound wave है वो एक तरीके की longitudinal wave है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो अलोंग द डायरेक्शन चलते हैं, ठीक है? तो वो कौन सी हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो व्हेन ए साउंड वेव पासेस थ्रू ए मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दस मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव, हेंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव? सो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो वेवलेंथ होता है वो डिफाइंड होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस ऑफ ए साउंड। तो जो डिस्टेंस होती है दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयरफेक्शन के बीच की, उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो एक टाइम में, एक सेकेंड में या एक मिनट में कितने वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, वो क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। सो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड पे आते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस होता है आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू के, मीन्स वो एक साइड कितनी दूर तक जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। किसी भी ऑसिलेशन में मीन पोजीशन से वो किस फार पोजीशन तक जा सकता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टरबेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज एन इको? सो इको क्या होता है? जो रिपीटेशन साउंड होती है किसकी वजह से? अगर कोई लार्ज ऑब्स्टेकल है तो वो साउंड को बार बार रिफ्लेक्ट करता है और उसकी वजह से क्या होता है? साउंड का रिपीटेशन आता है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? हम इको कहते हैं। सो इको इज द फिनोमिना ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लार्ज ऑब्स्टेकल। अब एक और इको से मिलती जुलती टर्म होती है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में क्या होता है कि अगर कोई क्लोज्ड वॉल है या फिर आपका ऑडिटोरियम है तो उसमें कौन सा फिनोमिना होता है? रिवर्बरेशन होता है। और अगर कोई खुली जगह है तो लार्ज ऑब्स्टेकल अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिना होगा? इको प्रेजेंट होगा। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट आर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स? सो ये जो वेव्स होती है ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है कि अगर 20 हर्ट्ज से लेस देन होगी तो उस फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस देन होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अब ये जो हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अब इंफ्रासोनिक के पास फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस होती है और अल्ट्रासोनिक के पास फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो इंफ्रासोनिक वेव्स, साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन
20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स. कम टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर. सो ऑडिबल रेंज क्या है, तो अभी हमने इंफ्रासोनिक देखा और अल्ट्रासोनिक देखा, तो इन दोनों के बीच की जो रेंज है वो क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है. सो द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स इज ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NK क्लासेस को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.